किशोर तिवारी जी, गुलाबचंद दुबे जी ने जो सवाल खड़े किया उसका तो जवाब दीजिए, लेकिन नारायण राणे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, कहा कि वह उन्हें पूछता कौन है, महाराष्ट्र की छोटी सी पार्टी है। और मुझे याद आ रहा है कि एक बार ऐसे ही दिल्ली दौरा उद्धव ठाकरे का तब भी लगा था जब बीजेपी के साथ में थे आप। नहीं, अब बाला साहब ठाकरे की कार्य करने की पद्धत अलग थी और उद्धव जी की अलग है, मुझे समझ लीजिए। दूसरा, पहला मुद्दा जो था कि सुपारी या टमाटर फेंकना या उसके प्रोवोकेशन में बाद में और कुछ करना, ये सब चीजें अवॉइड होना चाहिए। महाराष्ट्र एक पुरोगामी या प्रोग्रेसिव स्टेट है, राजनीति का स्तर बहुत अच्छा रहना चाहिए। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब राजू ने बताया ना कि लोगों ने नकारा है बीजेपी को, अगर बीजेपी का सही चेहरा रहता और बीजेपी की करतूत अगर ठीक रहती तो उन्हें लोग नकारते नहीं। बात जहां तक है कि हमने कांग्रेस से समझौता किया, हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया, जो बहुत बड़ा आरोप करते ये लोग, तो ये सब जनता में हम जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर देखो तो जो 5 सांसद वाली कांग्रेस एनसीपी थी उनके करीबन 23 हो गए ना, तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत गौण है। महाराष्ट्र की जनता के सामने किसानों का एक बड़ा मसला है, बेरोजगारी का एक मसला है, महाराष्ट्र में उद्योग निकाले गए इसका एक मसला है, दूसरा महाराष्ट्र का जो विकास का मॉडल दिया गया उसमें वंचित गरीबों को ध्यान नहीं, ऐसा लगता है। अब ये आने वाले चुनाव है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यही मुद्दे है ना, यही मुद्दे है। गुलाबचंद जी तो कह रहे हैं कि भाई जो असली हकदार है उसके हक की वो बात कर रहे हैं, देखा ना राज लास्ट में उन्होंने कैसे एक मुहावरे के साथ एंडिंग की थी अपने वक्तव्य की, तो यानी अभी भी लड़ाई वो असली नकली अभी भी बाकी है। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें विधानसभा के चुनाव के बाद समाप्त तो हो जाएगी और जनता तय करेगी कि क्या उद्धव ठाकरे को दरकिनार करना बीजेपी को रास आया या नहीं आया। दूसरी बात एक है कि किस तरीके से बगावत हुई, राजू ने भी उसका जिक्र किया ना, तो पार्टी तोड़ी गई। हमारे मित्र एकनाथ शिंदे केवल 12 सांसद 12 विधायक लेके गए थे, उनको विधायक दिए किसने, उनको विधायक बीजेपी ने सप्लाई किए और बीजेपी ने पार्टी तोड़ी। अब गद्दार अगर कोई होता है और उसको गद्दार नहीं कहना है तो गुलाबचंद दुबे जी को मैं पूछूंगा कि आप ओ गद्दार ना कहे तो क्या कहे। दूसरी एक बात, बहुत बार पूजा जी एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, हाँ। अगर मगर की भी बात हो रही है बहुत, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे को पीठ में खंजर खोद के बीजेपी ने पदक चूक किया था। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और कोई अगर मगर नहीं, आने वाले चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार रहेंगे। क्या शालिनी जी बता पहले, पहले मैं एक जरा जवाब ले लूं, गुलाबचंद जी से जवाब ले लूं। हाँ बोले गुलाबचंद जी। जी पूजा जी, तिवारी जी जिस सलीके से कह रहे थे कि उद्धव जी का शिवसेना अलग चलाने का तरीका है, बाला साहब का अलग था, मैं जानना चाहता हूँ तिवारी जी, जानना चाहता हूँ कि बाला साहब का शिवसेना चलाने का जो तौर तरीका था, जो उनका हिंदुत्व था, वो हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास है, उस कांग्रेस से कभी नहीं हाथ मिला सकते हैं, शिवसेना के सुख के लिए कहीं झुक नहीं सकते हैं। पूजा में एक मिनट, गद्दार नहीं तो आ रही किशोर जी, आ रही आपके पास, इनको बागी नहीं, ये मुद्दा हमें क्लियर करना चाहता हूं। तिवारी जी बागी कहो, पूजा जी अगली बार भी मैंने टोका था कि पहली बात तो मैं तिवारी जी पूछना चाहता हूँ, इनको मैं क्या कहूँ, आज किस मुंह लेकर के आज डिबेट पे बैठे हुए हैं नेशनल चैनल पे, इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में 1-20 सीट अगर आ जाएगी शिंदे साहब की, शिंदे एकनाथ शिंदे जी के, तो मैं रानी छोड़ दूंगा, इन्हें कभी नहीं डिबेट पे आना चाहिए। अरे ऐसे तो बहुत दावे आपके नेताओं ने भी करे हैं, कौन किस पर खरा उतरा है भाई।
बिहार की राजनीति में बड़े दावे किए गए थे, आज सब कहाँ है? वो तो आप छोड़ दीजिए ना, वो आप छोड़ दीजिए, बोलिए किशोर जी, बोलिए, ठीक है 10 सेकंड दे रही हूँ किशोर जी, बोलिए, उसके बाद में शालिन जी करूंगी। अभी क्या है कि मुझे रात को सपने में आए थे राम जी, उन्होंने कहा कि तुम महाराष्ट्र से जब तक इनका सुपड़ा साफ नहीं करते तब तक आप आते रहना। अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अब बता रहा हूँ कि हमने हिंदुत्व छोड़ा, यानी हम कांग्रेस को जाके मिले तो हिंदुत्व छोड़ दिया। अरे हमारा हिंदुत्व 2% ब्राह्मण और बनिया का नहीं है, हमारा हिंदुत्व 98% बहुजन समाज का है, और आपका यही मुद्दा लेके जनता में जाने वाले हैं। अरे जनता ने अभी देखो ना, आपको नकार दिया ना, मैं अभी बता रहा हूं। आज आप बीजेपी देखो एट पार आ गई, और श्वेता शालिनी अगर प्रवक्ता रहती है तो हमारी जीत तय है, क्योंकि वो आईटी सेल की प्रवक्ता थी, तो उनकी पार्टी कहते कि सारी जीत का सारी पराजय का श्रेय श्वेता शालिनी को दो। इतना अन्याय करते निकम में लोगों को समझना चाहिए कि एक मेघावी बेटी को ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोला मुझे बहुत बुरा लगा। यानी पराजय का हिंगरा किस पे भी बोड़ देते, ये निकम में ये भ्रष्ट ये अडानी के गुलाम और ये करते, ऐसा गलत है। हाँ श्वेता शालिनी का क्या दोष है, उसने तो संघर्ष किया, उसने तो पार्टी के हमारे तरीके जो लड़ने वाले तलवार घेर रहे हैं, संजय राउत अलग तरीके से घेरते